So friends, welcome back to the channel. It's a day 4, the time to leave the Guwahgarh. It's around 7:15 in the morning. And the plan is first drop wife and daughter at Guwahgarh bus depot. Then I will continue my ride. The distance will be the same, 300 kilometers. So it's 7:15 to 7:30 the bus will start. I have calculated the time around 3 o'clock or 2:30. I should be reach Mumbai. The roads are bad, you already seen. So see you on the road. Beautiful morning of Guwahgarh. Bad road, lonely roads. I gonna miss this all, yaar. I'm gonna miss this all. Aise lag raha yaar, 3 din mein life jili maine. School childrens going to school. Their holidays are over and mine too. So this will be the bus for Mumbai. So time to board their stuff. So friends, let me show you live example of Shiv Shahi. देखिए ये ओरिजिनल ड्राइवर है जो यहाँ पे खड़ा है और उसे चलाने को दे रहा है उस बंदे को. लोकल बंदा है, यूनिफॉर्म भी नहीं. आई डोंट थिंक इज ऑन इवन एम्प्लॉय और समथिंग लाइक दैट ऑफ एसटी. उसके पास कपड़े भी नहीं है, यूनिफॉर्म खाकी का ऐसे चल रहा है ये सब चीज़. तो इसीलिए तो एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं. होप दे सून टेक सम एक्शन ऑन दिस. आई डोंट थिंक सो बिकॉज प्राइवेटाइजेशन है, गाड़ी भी भाड़े की है, एसटी डेपो की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है. तो ये ऐसे ही चलने वाला है. देखिए वो नींद में है. देखिए वाह रे वाह, बाय. सो फ्रेंड्स, इट्स 7:42 एंड आई एम स्टार्टेड माय जर्नी. अभी जल्दी जल्दी भागना है भाई, बिकॉज धूप बढ़ेगी और खराब रास्ते फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा. इस बार राइडिंग शूज नहीं पहन रहा हूं मैं, ये आप देख सकते हो. कैजुअल शूज़ पहन रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट. बट राइडिंग शूज़ का प्रॉब्लम है, वो अभी तक यूज़ टू नहीं हुए है. उसका लेदर बहुत हार्ड है और यहाँ पे इतने खड्डे घड़ी घड़ी डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करना पड़ता है. सो आई जस्ट थॉट अभी रहने देते हैं उसको. आगे भेजे थोड़ी ब्रेकफास्ट साइड होने के बाद वो परफेक्ट हो जाएंगे. सॉरी आई नो ऐसे ऐसे शूज़ नहीं पहनने चाहिए फॉर अ राइड, बट क्या करें, मजबूरी है. मेरी गलती है क्योंकि डायरेक्टली शूज़ में इतनी बड़ी राइड पे यूज़ कर रहा हूँ. आई शुड डू सम ब्रेकफास्ट राइड ऑन दैट शूज़. चलो आगे जाए. डू लेट मी नो डिड यू गाइज एंजॉय ऑल दोज टू डेज व्लॉग्स. अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ अच्छी नहीं लगी बिंदास लिख दो यार, अपना ही चैनल है, उससे और इम्प्रूवमेंट करने की चांस मिलेगा हमको. आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं चैनल से पता चलेगा हमें. अच्छे लगे वीडियोस तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. फ्यूल भराना है, फ्यूल के सिर्फ 3 बार है. लेट्स सी चिपलून तक जाता है या नहीं जाता है. 42 किलोमीटर तो जाएगा. गो माता हमें जाने दो. 80 पे भराने के बाद ठंडी लग रही है यार. Just to know to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears. मुझे ऐसा लग रहा है ना आगे का हैंडल बहुत लूज हो चुका है, ऐसा फील हो रहा है. इवन खड्डे के ऊपर भी, स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी, क्या हुआ पता नहीं चल रहा है. मेरे सब देख लिया नट्स वगैरह, टाइट तो लग रहा है पर ऐसा लूज हुआ ऐसा लग रहा है. एकदम हल्का हो गया हैंडल. वाओ क्या व्यू है, मस्त. फोगी में से लाल डब्बा जा रहा है. आगे का भरोसा नहीं है, आप भरा लेता हूँ मैं. फ्रेंड जस्ट लुक एट दिस फॉग. सूरज भाई साहब तो बहुत छुप गए यहाँ पे. कंप्लीट फॉग आउट है. ऐसे लग रहा है मॉर्निंग के 6 बजे गाड़ी चला रहा हूँ. इट्स 8:18 बाय द वे. फुल फॉगी फॉगी.
फ्रेंड्स फ्रॉम पास्ट मोर देन 25 किलोमीटर्स में बाइक चला रहा हूँ, सब कंडीशन ऐसे ही है, फॉगी फॉगी फॉगी, मस्त फील आ रहा है यार। कैन यू सी दैट माउंटेन, क्या लग रहा है यार, वाओ। नाउ आई एम कनेक्टिंग टू मुंबई गोवा हाईवे, दिस इज द मुंबई गोवा हाईवे। अरे क्या क्लाइंब है फ्रेंड्स, लुक एट दिस ब्यूटी, ओ हो, इट्स फुल ऑन फॉग, ओ मैन वाओ, हो नीचे की तरफ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओ मैन, guys they have got thief here. So just having morning breakfast, vada pav, special dish. So just had a beautiful breakfast, गरम गरम वड़ा पाव, क्या हो रहा है भाई। वड़ा पाव वाले अंकल बहुत हिस्ट्री बता रहे थे उस चोर के बारे में, तड़ी पा रहा है, वॉन्टेड था, 6 महीनों तो यहाँ पे छुपे बैठा था, और रात को घर के ऊपर क्लाइम करके चोरी करते हुए पकड़ा गया वो। तो कल रात से अभी कितने 9 बजे, इतना धोया है उसको, बहुत धोया है पब्लिक ने, और अभी सब थक जाने के बाद पुलिस के हवाले दे रहे हैं उसको। गुड, रोड है देखिए, क्या रोड है, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन फुल्ली ऑन स्विंग, सो होप वेरी सून, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years वी शुड सी वेरी गुड ड्वेल लेन मीन्स विद डिवाइडर फॉर गोवा एंड कोकण, दैट्स इट। बहुत खराब है यार ये रोड, बहुत खराब है, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ यार। अरे बाप रे, इतनी धूल, वाइजर बंद कर दिया टाइम पे, ये डायवर्जन भी इतने गंदे हैं यार, मजा आ रहा है इस सीमेंट रोड पे बाइक चलाने में। 3-4 साल बस, उसके बाद बॉम्बे गोवा परफेक्ट, NH4 से भी अच्छा बन जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत कड़ी धूप है यार, 10 बजे की धूप लग रही है मुझको। सो डन अराउंड 136-140 किलोमीटर्स फ्रॉम गुआगर, ये रोड दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये सीमेंट का रोड है, ऐसे रोड बनने वाले हैं इन फ्यूचर, नेक्स्ट 3 या 4 साल लगेंगे। ये नया रोड और जो ओल्ड रोड वहाँ पे पूरा है, तो ऐसे बीच बीच में डाइवर्जन्स है, तो बीच में का रोड बहुत गंदा है, उसके बाद ये रोड बहुत अच्छे है, तो ये रोड्स कंटिन्यू होता है, फिर एक छोटा पैच आ जाता है, फिर वापस एक रोड अच्छा बन जाता है, ऐसे चल रहा है। तो अराउंड कशेदी घाट तक रोड ऐसे ही चल रहा है, कशेदी घाट के आगे टूवर्ड्स मुंबई रोड बहुत अच्छा है, परफेक्ट रोड है राइड करने के लिए, मगर हाँ पाली वाला रोड मत लेना, बिकॉज मैंने आते वक्त लिया था पाली वाला रोड, बहुत गंदा रोड है। अभी मुंबई जाते वक्त मैं पाली वाला रोड नहीं लेने वाला हूँ, बॉम्बे गोवा हाईवे कंटिन्यू करूँगा, थोड़े पॉटहोल्स रहेंगे टूवर्ड्स मुंबई की साइड, मगर क्या करें। सो चलो Let's continue the ride. So friend, Kashidi Ghat started. पहली बार मैं इस साइड से क्लाइंब कर रहा हूँ Kashidi Ghat. लास्ट टाइम भी आया था तो वहीं से सिर्फ क्लाइंब किया था, और जाते वक्त दापोली अंजार ले वो जेटी लेके आया था, कुत्तों से संभालना बस, कभी भी आपके सामने आ सकते हैं। स्पॉट इन कशेदी घाट, दियर बैंड पिन, वाओ लुक एट दिस, आई एम ऑन टॉप मैन, वहां से आया था मैं, क्या यहाँ पे बाइक खड़ी करके एक फोटो लिया जाए, व्हाई नॉट। Finally it's finished,
लॉन्ग घाट, अराउंड 17 किलोमीटर लॉन्ग घाट। लीन गियर करके थक गया यार, इतना एंजॉय किया। तो यहाँ से रोड है विच गोज टू प्रतापगढ़, देन महाबलेश्वर, पंचगणी एंड देन फिर NH4। जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं और बहुत लंबा पड़ेगा। मुंबई गोवा हाईवे कंटिन्यू करते हैं। विलेज आने के बाद थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है, ऐसे हीरोज कहाँ से भी आ जाते हैं। देखिए हीरो चल चल के क्रॉस कर रहे हैं यार, सही है। वन ब्रेक हियर एंड व्हाट आई फाउंड लेट मी शो यू। ये बटरफ्लाई यहाँ पे अंदर घुस गया और अटक गया है। कोशिश कर रहा हूँ निकालने की मगर वो रेडी नहीं आने के लिए। बहुत अंदर गर्मी है भाई, रुको उसको खींच लेता हूँ, उसको कुछ हो ना जाए, यही है। आजा आजा आजा, थैंक गॉड। ओहो लकी चैम। चलो कंटिन्यू द जर्नी। न्यू ब्रिज फील्स ऑसम। तो मुंबई स्टील अराउंड 160-165 किलोमीटर्स लॉन्ग। अभी यहाँ पे भगाने के मिले उतना भगा रहा हूँ। सो रीच विलेज नेम एज लोनारे। हरिहरेश्वर एंड श्रीवर्धन फ्रॉम हियर इज 64-68 किलोमीटर्स दिस रोड। इवन यू कैन गो टू दापोली ऑल्सो बाय टेकिंग दिस रोड। अभी ये थोड़े रोड छोटे हो गए और ओवरटेकिंग का झोल ज़रा ज़्यादा हो जाएगा अभी, तो संभल के चलाना पड़ेगा। अभी तक का रोड थोड़ा हाईवे बड़ा था, अभी ये टू लेन ही हो गया है, तो ओवरटेकिंग थोड़ा संभाल के, रिमेंबर दैट। ये देखिए ऐसे है। सो रीच मानगांव विलेज एंड पनवेल फ्रॉम हियर इज 95 किलोमीटर। सो जस्ट टुक अ ब्रेक, आई थिंक कोलाड जैसे क्लाइम डाउन किया था उसके बाद ब्रेक नहीं लिया था। अराउंड कोस्टन मोर देन 110-120 किलोमीटर्स राइड की है। सो मुंबई यहाँ से कुछ अराउंड 80 किलोमीटर्स है और टाइम हुआ है अभी 12:10। सो 10-15 मिनट्स यहाँ पे ब्रेक ले लूँगा, पानी पी ले लूँगा और कंटिन्यू अवर राइड। सो सी यू ऑन द रोड। गर्मी लगने को चालू हो गई है। 11:56 12 बज गए अराउंड। सन भाई साहब एग्जैक्टली सर के ऊपर है। भूख तो अभी लगी नहीं है क्योंकि 3 बनाना खाए हैं और 2 वड़ा पाव। एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, द गाय द बॉयज आर एक्साइटेड टू सी मी। सो एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपको, जब भी आप राइड करो खाली पेट राइड मत कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और खा लीजिए, अदरवाइज आपको हेडेक, सर दुखने का, आँख दुखने की सब सिम्टम्स चालू हो जाएंगे। सो बेटर गैप ले लेके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ये सूरज भाई साहब पूरा चूस लेते हैं पूरा। So I have reached Wadkhal Naka. This road goes to Alibag and this way is Mumbai. क्या यार पूरा रोड में ब्लॉक डाल के रखे यार, फक कैसे हो गया उसका, शिट हाईवे पे ब्लॉक डाल के रखते, क्या पब्लिक है। सॉरी सामने वालों, आपकी लाइन में चला रहा हूँ। क्या क्या जुगाड़ करेंगे ना ये लोग पैसा बचाने को काय को, पैसा खाने के लिए। बॉम्बे गोवा हाईवे विद प्राइवेट ब्लॉक। सो फ्रेंड्स रीच मुंबई, करंटली एट मानखुर्द, टाइम इज 1:51, 2 बजे से पहले ही, 2 बजे तक घर में तो पहुंच जाऊंगा। गेस किया था 2:30 या 3 बजेंगे यार, हॉर्न का करना पड़ेगा कुछ। सो आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज दिस वीडियो। सो एनी हाउ इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ये पूरा गुआगर का जो पूरा व्लॉग है 3 दिन का, अगर आपको अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें बुरी लगी, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, डू give me opportunity to improve myself. So this is Sagar signing off. Bye bye.
गाइस मुंबई का ट्रैफिक फक, इतने अच्छी तरह से आए थे गुआगर से, मुंबई में ने आपका स्वागत किया है। किधर देख रहे हो सर, अभी उड़ा देता मैं आपको।